हाय गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने वादा किया था कि मैं उसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा सेट्स की। तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन्स थी वो और क्लियर हो जाए और देख लेंगे इनके प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील कर। सो लेट्स बिगिन इट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 and 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 and 8 एंड prove that A del B is equals to A minus B union B minus A, right? So हम देखते हैं इसको किस तरह से डील करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ये पूरी चीज़ इसके बराबर आनी चाहिए। तो चलते हैं आगे, पहले एक साइड को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये वाली साइड लेते हैं पहले। Taking left hand side, that is A del B. तो हम पहले A del B निकाल लेते हैं। A की जगह A की values 1, 2, 3 and 4 जो भी बीच में ऑपरेटर है, और B की जगह B की values। अच्छा, ये इस del का क्या मतलब मैंने बताया था, ये होता है symmetric difference। इसमें क्या करते हैं, जो भी कैंसिल आउट हो उनको कैंसिल आउट करते हैं। सॉरी, थ्री नहीं कटेगा वहाँ पर, 4 and 4। और जो भी बच जाता है उसको नेक्स्ट सेट में लिख देते हैं 1, 3, 6 and 8, राइट। तो हमारे पास ए डेल भी आ गया। इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1। अब हम करते हैं दूसरी साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमें यूनियन भी तो निकालना है, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट। तो मैंने पहले कहा था कि हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन ब्रैकेट को फर्स्टली यूज सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें यूनियन लेना है। तो a माइनस बी ले लेते हैं पहले, a माइनस बी को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यूज 1, 2, 3 and 4, बीच में माइनस का साइन, 2, 4, 6 and 8, राइट। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर सिमेट्री डिफरेंस था। इस डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है, जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल कर देते हैं, और जो पहली ब्रैकेट में वो बचता है वो हमारा हो जाता है आंसर। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 and 3। अब हमें क्या करना है, इसको तो हमने निकाल लिया, अब ये बाकी है b माइनस ए देख लेते हैं। b की वैल्यूज 2, 4, 6, 8 माइनस a की वैल्यू 1, 2, 3 and 4, राइट। तो यहाँ पर अगेन कैंसिल आउट करते हैं, 2 and 4 कैंसिल हो रहा है, और दोबारा से जो पहली ब्रैकेट में बचता है वो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 6 and 8 बी माइनस ए। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमने ये भी निकाल लिया, तो इन दोनों को तो निकाल लिया, अब बीच में क्या बचा, यूनियन, मतलब इन दोनों के दरमियान यूनियन ले लेते हैं। ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ए माइनस बी की वैल्यूज क्या आई थी, 1 and 3, बीच में ऑपरेटर u है,
और इसके बाद बी माइनस वी की वैल्यू क्या आई थी, बी माइनस ए की वैल्यू 6 एंड 8। हमें क्या करना है, यूनियन, यूनियन क्या करता है, सब नंबर को सीरियल से लिख देते हैं, मतलब यूनाइट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3, 6 एंड 8, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन सी दैट this side is equals to this side, therefore we have proved that a del b is equals to a minus b union b minus a. hum yahan pe likh denge from equation 1 and equation 2 a del b is equals to a minus b a b minus a. अच्छा तो अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और कन्फ्यूजन्स कंप्लीट हो जाए, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए. a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस a इंटरसेक्शन B. हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, राइट. तो हमने जैसे अभी पीछे जो भी ए और बी की वैल्यूज ली थी, यहाँ पर भी वही लेंगे. तो हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं एक साइड जो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए माइनस बी. तो ए माइनस बी को पहले सॉल्व कर लेते हैं. ए की वैल्यू वहाँ पर क्या थी, 1, 2, 3 एंड 4 माइनस का साइन, और बी की वैल्यूज क्या थी, 2, 4, 6 एंड 8, राइट. तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, माइनस करना है हमें. 2 एंड 4 कैंसिल आउट, और हमारे पास यहाँ पर इस वाले माइनस में क्या करते हैं, जो भी पहली वाली ब्रैकेट में वैल्यूज बचती हैं वो लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 एंड 3. तो इसको हम नाम दे देंगे एक इक्वेशन, इक्वेशन 1. नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तो ऑब्वियसली हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं. ए की वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज 2, 4, 6 एंड 8, राइट. तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन होता है सिर्फ वही लिखते हैं. यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 एंड 4. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 2 एंड 4. तो अब हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, अब यहाँ से डिफरेंस ले सकते हैं. लिख देते हैं नाउ ए माइनस ए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन है एंड बी. ए की वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 4 हमें सबट्रैक्ट करना है किससे, ए इंटरसेक्शन बी से, जो इसकी वैल्यू आई थी 2 एंड 4. तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, 2 से 2, 4 से 4, और हमेशा पहली ब्रैकेट में जो बचता है वही लिखते हैं सब इस डिफरेंस में. यहाँ पर 1 एंड 3 बच गया, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 बराबर है इक्वेशन 2 के. तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. क्या देख रहे हैं यहाँ पर, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस a इंटरसेक्शन बी. तो ये बात प्रूव होती है यहाँ से, सही. तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल्स समझ में आई होंगी, और मुझे याद है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिमॉर्गन्स लॉ को भी प्रूफ करा दिया था, तो इसी तरह से आप दूसरी प्रॉपर्टीज भी प्रूफ कर सकते हैं. आई होप आप लोग कर लेंगे. अच्छा अब एक और यहाँ पर चीज़ है सेट में, जिसे कहते हैं ऑर्डर पेयर्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं.
order pair. अच्छा अब order pair क्या है, अगर हम दो elements ले लें suppose a and b right, and उसको हम लिख, अगर दो ये हमारे पास क्या मैंने कहा elements हैं a एंड बी, उसको ऑर्डर पेयर में हमेशा लिखते हैं ए कॉमा बी के अंदर, ये कहलाते हैं ऑर्डर पेयर्स। ठीक है तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स ले लेते हैं। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसी चीज़ है, इसको ऑब्वियसली मुझे इसको डिनोट करते हैं सिंपल मल्टीप्लायर में, मगर ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसकी थोड़ी एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ आसान सी एग्जांपल, ए इज इक्वल्स टू एक सेट है ए बी सी एंड डी, और एक सेट है हमारे पास बी के नाम से, एक इसको ले लेते हैं y एंड z, राइट। तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड कर लो a क्रॉस b, राइट। तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। a क्रॉस b निकालना है हमें, वो किस तरह से करते हैं, पहले तो हमारा पहला रूल यही होता है जिनकी वैल्यूज यहाँ पर भी है वो पुट करनी है। तो a की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, a b एंड c एंड d, बीच में जो भी ऑपरेटर हो, और b की वैल्यू क्या है y एंड z। अच्छा अब बात आती है यहाँ पर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पहले सेट में जो पहली वैल्यू होती है, उसको उठाते हैं, उसको उठाकर ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं नेक्स्ट वाली की वैल्यू से। कैसे ऑर्डर पेयर, जैसे कि मैंने बताया ए कॉमा बी, जैसे कि पहले वाले को पहले से लिखते हैं, फिर एक दोबारा से नेक्स्ट पेयर बनाते हैं जेड। अगर यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज होती तो ए के साथ ही फॉर एग्जांपल कुछ भी होता है पी क्यू आर, तो ए पी ए क्यू ए आर एंड सो ऑन लिखते हैं। तो मतलब पहले वाले को सारी वैल्यूज से हमने पेयर बना लिया यहाँ पर, उसके बाद दूसरी वाली को इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से तीसरी वैल्यू सी को भी ऐसे ही लिखना है, इसी तरह से लास्ट वैल्यू डी को भी ऐसे लिखना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा तो इसकी एक और एग्जांपल निकाल लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए आपको। ये एक सेट लेते हैं हम, लेट ए बराबर है ए एंड बी के, और बी बराबर है टू एंड थ्री के, एंड सी बराबर है थ्री एंड फोर के, राइट। तक शायद मुझे नहीं याद कि हमने तीन सेट वाली कोई भी एग्जांपल करी हो, पर यहाँ पर आप कर लेते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है, वो कह रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालो, कोई मसला नहीं है निकाल लेंगे। मैंने पहले भी बताया था, अभी दोबारा कहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल, ओपन करते हैं ब्रैकेट, जैसे कि बॉर्ड मास रूल भी है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो b की वैल्यूज क्या है टू एंड थ्री, ऑपरेटर c की वैल्यूज क्या है थ्री एंड फोर, राइट। तो यूनियन क्या आ जाएगा इसका टू थ्री एंड फोर, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है b यूनियन c, और a की वैल्यूज क्या है यहाँ पर a एंड b,
और बीच में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी यूनिट सी की क्या वैल्यूज आई है, 2, 3 एंड 4। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया था, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है। पहले ब्रैकेट से पहली वैल्यू उठाएंगे, सबके साथ पेयर्स बनाएंगे, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 4। इसी तरह से नेक्स्ट जो भी हो उसके लिए बनाएंगे, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3 एंड बी कॉमा 4। तो यहाँ पर ये वाली भी एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। तो एक मैं आप लोगों को टास्क देना चाहता हूँ कि आप ये खुद से करें। टास्क ये है कि इन्हीं सेट को आप कंसिडर करें, जो भी हमारे पास ए बी और सी है, इसको यूज़ करते हुए आप इसकी इसका आंसर निकालें। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आई थिंक ये थोड़ी मुश्किल एग्जाम्पल है, मगर आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा ब्रैकेट को ओपन करते थे, यहाँ पर ब्रैकेट क्या है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे जो भी वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद ए क्रॉस सी निकालेंगे जो भी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं, जितने भी आपके पास पेयर्स आएंगे उन सब को सीरियल वाइज लिख देंगे एंड दैट्स इट। छोटा सा टास्क है ये, आप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी और एग्जांपल्स कर लेते हैं, जस्ट टू मेक यू मोर क्लियर। लेट करते हैं, ए बराबर है 1, 2, 3 एंड 4, बी बराबर है 2, 4, 5 एंड 6 एंड सी बराबर है 2, 3, 6 एंड 8। अच्छा, तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, इसी सेट को लेकर करते हैं मल्टीपल एग्जांपल्स। तो पहले एग्जांपल हम कर लेते हैं, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, राइट। हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3, 4 और बी की वैल्यूज क्या है, 2, 4, 5 एंड 6, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट एंड 4 कैंसिल आउट। इस वाले डिफरेंस में क्या होता है, पहले ब्रैकेट में जो भी बचता है वो लिख देते हैं 1 एंड 3। उसके बाद हमने ये तो निकाल लिया, अब ये निकालते हैं, नाउ बी माइनस सी, और बी की वैल्यूज क्या है, 2, 4, 5 एंड 6 माइनस 2, 3, 6 एंड 8, राइट। यहाँ पर भी क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है और 6 कैंसिल हो रहा है। तो पहली ब्रैकेट में क्या बचा है हमारे पास, ओनली 4 एंड 5। हमने ये भी निकाली, ये भी निकाली, अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो वो कर लेंगे, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। ए माइनस बी की वैल्यूज क्या आती, 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 1 एंड 3, यहाँ पर 4 एंड 5। तो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या करते हैं पहली वैल्यू निकालते हैं, उसको सबके साथ पेयर्स बनाते हैं, 1, 4, 1,
5, next 3 comma 4 and 3 comma 5. यहाँ पर example भी होती है complete. अच्छा तो अब हम next example देखते हैं. यहाँ पर example है A cross B minus B cross C, right? तो यहाँ पर भी पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो A क्रॉस B निकाल लेंगे और यहाँ पर A और B की वैल्यूज वही वाली सेम रहेंगी. तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3 and 4 क्रॉस, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 4, 5 and 6, राइट. अच्छा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना होता है, पहली वाली वैल्यू को उठाकर सब के साथ ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6, राइट. उसके बाद नेक्स्ट वाले को 2, 2, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, उसके बाद 3, 2, 3, 4, 3, 5 and 3, 6, और लास्ट रह गया हमारे पास 4, 2, 4, 4, 4, 5 and 4, 6. तो हमने अब यहाँ A क्रॉस B निकाल लिया, इसी तरह से B क्रॉस C भी निकाल लेंगे. B क्रॉस C देख लेते हैं, अब B की वैल्यूज क्या है यहाँ पर, 2, 4, 5 and 6, और हमारे पास C की वैल्यूज है 2, 3, 6 and 8. सेम प्रोसीजर, पहली वाली वैल्यू को उठाकर सबके साथ पेयर्स बनाने हैं, 2, 3, 2, 6, 2, 8, राइट. इसके बाद सॉरी 4, 2, 4, 3, 4, 6, 4, 8, next 5, 2, 5, 3, 5, 6, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 6, 6 and 6, 8. हमने यहाँ पर ए बी ए क्रॉस बी भी निकाल लिया, बी क्रॉस बी सी बी निकाल लिया. तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालना है. ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है. तो मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं लिख रहा, इतनी सारी वैल्यूज लिखूंगा मैं, उसका टाइम ज़्यादा होगा. तो हमें डिफरेंस निकालना है दोनों के दरमियान. डिफरेंस में क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं जो भी एक जैसे होते हैं. तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 1, 2 देखते हैं यहाँ पर, नहीं 1, 1 की तो वैल्यूज ही नहीं है. तो उसके बाद 2, 2 है, 2 की वैल्यूज हैं हाँ यहाँ पर, 2, 2 ये और 2, 2 ये, 2, 4 नहीं है, 2, 5 नहीं है, 2, 6 है, हाँ कैंसिल आउट. अच्छा उसके बाद 3 की तो वैल्यूज नहीं यहाँ पर, मगर और उसके बाद 4 की हैं हाँ, 4, 2, 4, 4 नहीं है, 4, 5 भी नहीं है, 4, 6 है, 4, 6 है. तो हमारे पास अब क्या होगा,
मतलब इसको हमने इससे माइनस करा तो पहली ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, वो लिख देंगे 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2,4, 2,5, उसके बाद यहाँ तक 3,2, 3,4, 3,5, 3,6, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 4,4, 4,5, तो ये हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल भी होती है कंप्लीट और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप के आप लोगों को ये बातें भी समझ में आ गई होंगी, इतनी एग्जाम्पल से करवा दी मैं। तो अच्छा एक और बात शायद मैं भूल गया बताना, तो आप लोग एक बात बता देता हूँ, अगर कोई एग्जाम्पल हम करते हैं क्रॉस, भले ही क्रॉस प्रोडक्ट हो या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो या यूनियन इंटरसेक्शन और कोई सी भी किसी तरह की भी एग्जाम्पल हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसमें अगर किसी भी सेट में कोई भी वैल्यूज़, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ रेंडमली, सपोज करते हैं एक सेट है 1, 2, 3 एंड 4, एक सेट है हमारे पास 5, 6, 7, 8, राइट। तो अच्छा अब हम यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। अच्छा इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सब जो भी मैच करता है वही लिखते हैं, मगर यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं कर रहा। जब कुछ भी मैच नहीं करता तो सिर्फ सिर्फ खाली ब्रैकेट बना देते हैं और अंदर कुछ भी नहीं लिखते, या तो बना देते हैं नल, मतलब ये सेट नल है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेट की ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम थोड़े से इसके कर लेते हैं ग्राफ, थोड़े से कर लेते हैं इसमें ग्राफ। अच्छा ग्राफ का पहले मुझे देना होगा आपको कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज ग्राफ हियर। तो पहले हम यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ और इसके एक लाइन खींचते हैं इधर और एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। अच्छा जी, तो अच्छा इसमें क्या होता है कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसे कहते हैं ओरिजिन, दैट इज ओ, और इस वाली पूरी लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, इस वाली पूरी लाइन को कहते हैं y एक्सिस। मगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब जब भी वैल्यूज प्लस कॉमा प्लस में होंगी तो उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब भी माइनस कॉमा प्लस में होंगी वैल्यूज उसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह से जब भी कोई वैल्यू माइनस कॉमा माइनस में होंगी उसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और जब भी कोई वैल्यू प्लस कॉमा सॉरी माइनस में होंगी तो उसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा ये प्लस और प्लस क्या है, पहली वैल्यू हमेशा जो भी प्लॉट करते हैं वो वाई एक्स की होगी और वाई की होगी दूसरी वाली, इसी तरह से पहली एक्स एंड वाई, पहली एक्स माइनस प्लस वाई, यहाँ पे दोनों माइनस में, इसी तरह से एक्स प्लस वाई माइनस में। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा अब हम इसको इसके थोड़े से पॉइंट्स प्लॉट करके देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, बल्कि इसी में क्या करते हैं इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं थोड़ी छोटी सी। कि यहाँ पर मैं कुछ आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है किस तरह से, क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट है, बल्कि सिर्फ आप इसके सिर्फ कोऑर्डिनेट बता दें कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1/7 और 4/9, और ले लेते हैं -7, 8, -9, -1, और इसके बाद देख लेते हैं 8, -2, एंड दैट्स इट, इतने काफ़ी हैं। अच्छा, हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट बता देते हैं कि आप, ताकि इस थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। 1.6, हमें यहाँ पर नंबर्स को नहीं देखना, हमें यहाँ पर इनके साइन को देखना होता है। साइन क्या, पहला होता है मैंने बताया कि एक्स और दूसरा वाई होता है। पहले के साइन के यहाँ पर प्लस, दूसरे का भी प्लस, प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा भी प्लस है दोनों, तो ये भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर पहले एक्स यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, मतलब ये नंबर, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यहाँ पर माइनस में दोनों, एक्स भी माइनस में, वन भी माइनस, वाई भी माइनस में, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से यहाँ पर एक्स प्लस में, वाई माइनस में, ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये तो हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से पहचानते हैं। अब इसको कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ में प्लॉटिंग देख लेते हैं थोड़ी सी, कि इसमें प्लॉट्स प्लॉट किस तरह से करते हैं इनकी वैल्यूज को। और एक बात बता दूं कि ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ कुछ आपने देखा होगा ग्राफ किस तरह से होता है, तो मगर हम यहाँ पे इन लाइनों की मदद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बल्कि अच्छा, तो यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेट है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड 5, और एक सेट है बी के नाम से, इसकी वैल्यूज हैं -5 एंड -4 एंड 6। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं कि इसको एक माइनस कर लेते हैं, ताकि इसको मैं असल में मैं ऐसे ग्राफ में प्लॉट करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी किस तरह से निकालते हैं, पेयर्स बनाते हैं पहले वाले को पहले के साथ, 2, -5, 2, -4, 2, 6, उसी तरह से फिर नेक्स्ट 3, -5, 3, -4 एंड 3, 6, नेक्स्ट -4, -5, -4, -4 एंड -4, 6 एंड लास्ट 5, -5 5, -4 एंड 5, 6। अच्छा, ये तो हमने पॉइंट्स से निकाल लिए, मगर अब हम इसे देखते हैं ग्राफ में प्लॉट करके कि इसे ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करते हैं। जैसे कि अभी पीछे मैंने ग्राफ बताया है, पहले लेबलिंग कर लेंगे इसकी, ये बनाना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ हमेशा, ग्राफ की जो लाइंस होती हैं वो हमेशा चलती हुई हैं, ये दो एक्सिस जो है ये लाइंस चलती हुई हैं, इसका
ये एरो ये डिनोट कर रहा है। तो हम इनको प्लॉट करने, हमें तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग कर लेंगे। अच्छा, अब स्केलिंग किस तरह से करते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, हम यहाँ पर देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 6 है, तो हम इसकी प्लॉटिंग कर देंगे इसको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह से सेम 2, 3, 4, 5, 6, मगर यहाँ पर -1, -2, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -3, -4, -5 एंड -6। सेम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह से -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। राइट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, 2, -5, मतलब एक्स प्लस में है, वाई नेगेटिव माइनस में, एक्स प्लस में वाई नेगेटिव, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं वैल्यू आएगी। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट को भी दिखा देते हैं, 2, -5 है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2, -4। इसी तरह से ये रहा 2, -4, 2, -4 सॉरी, और इसके बाद है 2, 6, मगर यहाँ पर प्लस में 6 है, तो 2, +6 यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, इसकी सिदाई पे, इसकी सिदाई पे बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा 2, 6। राइट। उसके बाद क्या है, 3, -5, 3, -5, 3 तो यहाँ पर है, प्लस का 3 और -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, -5। राइट, यहाँ पर ये पॉइंट है। उसके बाद क्या है, 3, -4, वो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 3, -4। उसके बाद 3, 6, 3, 6, ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा 2 के पास, तो मैं सिर्फ पॉइंट बना देता हूँ। और उसके बाद -4 एंड -5। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में, तो वो कहाँ पर आएगा, एक्स माइनस में और वाई माइनस में। एक्स क्या है, -4, एक्स क्या है, -4, और वाई हमें क्या लेना है, -5, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर प्लॉट होना चाहिए, एक्स -4 और वाई -5। ठीक है, उसके बाद एक्स -4 और वाई भी है -4, तो ये वाला पॉइंट एक्स -4 वाई -4, एक्स -4 वाई -4। इसी तरह से एक्स जो है प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, और वाई क्या है, नेगेटिव 5 है, तो ये कुछ ये 5, 6 है, ये 5 ये रहा और ये 5 ये रहा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 5, -5। उसके बाद एक्स 5 है, उसके बाद वाई क्या है, -4, एक्स 5 है और वाई -4 है, -4। उसके बाद एक्स 5 है और वाई क्या है, +6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर। आई होप कि आपको इसकी प्लॉटिंग भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को अभी एक ग्राफ में भी ये करवा कर दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह से करते हैं, इसकी स्केलिंग किस तरह से करते हैं, और यहाँ पर हमें स्केलिंग को शो करना होता है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर एक को सिर्फ समझ लेते हैं कि ग्राफ में प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके कुछ पहले पॉइंट्स ले लेता हूँ कि हमें कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट्स लेते हैं 9, -9, 9, 7, 6, -8, -7 एंड 3, -3, और कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं 10, 9, -2, -10 और 3, 6, काफ़ी है। अच्छा, जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने कि ग्राफ में किस तरह से प्लॉटिंग करते हैं।
एक सेंटर में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह से पहले एरो हेड बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये एरो हेड, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, राइट। अच्छा, तो उसके बाद हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, पहले यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट क्या, हाईएस्ट पॉइंट 10 है, तो मैं यहाँ पर टू बॉक्स वन बॉक्स को ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। इसी तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, राइट। अच्छा जी, तो उसके बाद इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, माइनस नाइन कॉमा प्लस नाइन। माइनस नाइन मतलब माइनस एक्स है और प्लस का वाई, माइनस एक्स और प्लस का वाई, माइनस नाइन। तो मैं यहाँ पर नंबर नहीं लिख रहा, तो बात लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर माइनस नाइन ये रहा और यहाँ पर माइनस प्लस का नाइन, तो माइनस नाइन और प्लस नाइन का पॉइंट ये वाला कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सिक्स माइनस सॉरी सेवन कॉमा सिक्स, प्लस का सेवन है और माइनस प्लस का भी सिक्स है, तो प्लस का सेवन ये रहा और प्लस का सिक्स देख लेते हैं कहाँ पर आएगा, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये सेवन कॉमा सिक्स का ये पॉइंट आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस एट माइनस सेवन मतलब माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एट देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आप यहाँ पे नंबर लिख लीजिएगा जो भी है। इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये रहा एक और पॉइंट। इसके बाद थ्री कॉमा माइनस थ्री, थ्री ये रहा और माइनस थ्री नीचे आएगा ऑब्वियसली क्योंकि माइनस वाई यहाँ पर है, वन टू थ्री, तो यहाँ पर ये रहा एक पॉइंट। उसके बाद टेन कॉमा नाइन, दोनों प्लस में है तो मतलब यहाँ पर टेन कॉमा माइनस नाइन, आसान सा पॉइंट। इसके बाद माइनस टू माइनस टेन, माइनस टू एक्स माइनस में यहाँ पर है ये रहा और माइनस टेन यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये रहा माइनस टू, ये टू और ये टेन, राइट। और आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है, थ्री कॉमा सिक्स, प्लस का थ्री और प्लस का सिक्स है, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। अच्छा, असल जो बात थी वो यहाँ पर थी स्केलिंग की। स्केलिंग किस तरह से करते हैं, स्केल देख लेते हैं किस तरह से करते हैं, देख लेंगे। ऑन एक्स एक्सिस वन बॉक्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट, यहाँ पे इसको डिफाइन क्यों किया गया वन बॉक्स, मैं चाहता तो मेरी मर्जी थी इन दो बॉक्स को वन कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर इसी तरह से चलता है कि दो बॉक्स एक के बराबर, फिर अगले दो बॉक्स टू के बराबर, फिर अगले दो बॉक्स तीन के बराबर, तो यहाँ पर यूनिट बॉक्सेस को सेम रखना है। तो यहाँ पर जब एक बॉक्स को वन यूनिट के बराबर लिया तो वन बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट। इसी तरह से सेम मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस की भी प्लॉटिंग करी है, तो वाई एक्सिस में भी यही लिख देंगे, वन बॉक्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेट्स की सारे एग्जांपल्स और जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे सो फार, तो वो हमने देख लिए और मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बता दिया, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और या तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप जो भी आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको भेजूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिलने, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीज़ सिखाऊँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो।
तो चलते हैं आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।